वालेकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ दुबई में, लेकिन मैं आपको इस ऐसी जगह लेके आया हूँ। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये एक छोटा गार्डन है, पार्क है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये इसको लोगन कहते हैं, और लोगन मतलब ये दुबई का सबसे आखिरी एरिया है, मतलब ये ओमान का बॉर्डर है। और मैं थोड़ा कुछ चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो में, लास्ट तक बने, गार्डन भी दिखाऊँगा और जो भी चीज़ें यहाँ दुबई के अंदर जो विलेज है वो लास्ट विलेज कैसा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए ज़्यादा बातें ना करते, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहो। आप देख पा रहे हो जो सामने गेट है वाइट वाला, वो एंट्री गेट है, और यह वॉचमैन का रूम है यानी गेट कीपर का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ मैं मौजूद खड़ा हूँ, यहाँ पर कुछ चेयर वगैरह लगी हुई है, और उसके बाद यहाँ पर एक बाथरूम वगैरह पानी पीने का पूरा सिस्टम है। और इधर थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सामने जो है कि एक मार्केट है छोटी सी खाने पीने के लिए, और यहाँ बच्चों का जो झूला वगैरह रहता है खेलने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है जैसे कि आप देख पा रहे हो। मैं थोड़ा सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको, फिर इंशाल्लाह बाहर का कुछ व्यू है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख पा रहे हो बच्चों का छोटे छोटे खेलने के लिए, और सारी चीज़ बहुत प्यारा व्यू। ये रंबल है, इसमें जो बच्चा मतलब खेलेगा अगर गिरता है तो चोट वगैरह नहीं लगेगी, यानी बालू रहता है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्सरसाइज का, यहाँ पे जो लोग मॉर्निंग के टाइम, अभी सुबह का वक्त है, तकरीबन 7-8 बज रहे हैं, और ये कचरे का मतलब कचरा डालने के लिए है। और सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और एक्सरसाइज वगैरह के लिए थोड़ा नज़दीक से मैं आपको दिखा दूँगा तो मालूम पड़ेगा। ये भी आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज के लिए, वो भी, उसके बाद ये भी है, ये घूमने के लिए है, ऐसे आप करेंगे तो ऐसे घूमेगा, इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, ये घूमने के लिए है। उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं बैठने के लिए, एक्सरसाइज के लिए है, ये भी है, और बहुत प्यारा है। मतलब यहाँ पे 15-20 आदमी, अभी सुबह का वक्त है तो ये सुबह में यानी ओपन रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा आज आपको दिखा दूँ। सामने जो देख सकते हैं मस्जिद है, मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ, देखिए ये मस्जिद है, ये मस्जिद का व्यू है। और ये स्कूल की बस बच्चों लोग की, देखो सुबह सवेरे जा रही है, सभी 7 बज रहा है तकरीबन। और मैं थोड़ा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पर देखिए रोड है, बिल्कुल सफाई है, और यहाँ पर मशीन लगी रहती है घास कटिंग करती है, मतलब जो चीज़ें रहती है यहाँ पर, फुलवारी वगैरह जो भी फ्लावर रहता है, सारी चीज़ें कट करके, मतलब 15-20 आदमी इसकी देखभाल में लगे रहते हैं, देखते वालते हैं, मतलब इसको कैसे पानी देना है। सुबह 7 बजे पानी आ जाता है, लोग पानी देते हैं, और फिर ये 7:30 बजे ये बंद हो जाता है, फिर शाम को ओपन होता है। देखिए बहुत प्यारा व्यू है, और यहाँ पे जो गार्डन आप लोग देख सकते हो छोटा सा है, बहुत फैमिली, क्योंकि विलेज है, विलेज में छोटा गार्डन रहेगा तो बच्चे फैमिली के वगैरह के साथ शाम को आ सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा और आगे जाके दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए परिंदे चिड़िया भी है, बर्ड्स, सारी चीज़ें देख के, देखिए मैं आपको बता रहा था सुबह सवेरे पानी जो यहाँ पर आता है, तो पानी आ गया, वो जो लोग काम करते वहाँ पर घास में पानी दे देंगे, ये बच्चों का खेलने का है, देख लीजिए। और थोड़ा और आगे जाके आपको दिखाते हैं, लाइट लगी हुई, 2 लाइट है, ये देख सकते हैं आप लोग बच्चों का खेलने के लिए। और सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आदमी काम कर रहे हैं, सुबह का टाइम है, वो लोग काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये देखिए यहाँ से पानी आता है, अभी पानी फ़िलहाल आ गया है, और बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह का वक्त है, अभी फजर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद थोड़ा हमने बाहर घूमा, हमने थोड़ा बाहर देखा, उसके बाद यहाँ पे आपको सोचा, टाइम तो नहीं मिलता था लेकिन फ़िलहाल हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मस्जिद है देख लीजिए, और ये अभी पानी आ गया है सुबह में, यहाँ पर इसकी साफ़ सफ़ाई कटिंग वग़ैरह सारी चीज़ें कर लेंगे, करने के बाद ये लोग यहाँ पे चले जाएंगे, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे ये लोग। ये देख सकते हैं आप लोग,
यहाँ से ये लोग काम कर रहे हैं। और ये पत्थर लगा हुआ है बच्चों का खेलने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। देखिए पानी आ गया है, मैं आपको नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ। देखिए पानी पाइप से नहीं, बस ये ऑटोमेटिक आएगा, टाइम से आएगा, टाइम से फिर चला जाएगा। और सामने मस्जिद देख सकते हैं, और सामने मैं जूम करके दिखाता हूँ, अभी का घर है जैसे कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ से घर वगैरह, प्यारा नज़ारा है, प्यारा व्यू है। सामने मस्जिद है और यहाँ पे आदमी लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा और आगे जाएंगे, देखेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फुलवारी वगैरह है, ये बच्चों के खेलने के लिए, एक्सरसाइज के लिए है। आप लोग देख सकते हो छोटे बच्चों का सारा सिस्टम इसमें है। बस ये कुछ चीज़ें थी मैंने आपको दिखाया, और बाहर भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और मस्जिद का जो मेन गेट है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी सुबह सवेरे पानी आ गया है, ये मस्जिद सर पानी में, देखिए ये मूव होता रहता है, जिधर ज़रूरत होगी उधर जाएगा पानी। वो भी चीज़ें थी, गार्डन यानी छोटा सा पार्क का, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाया। और देख लीजिए बहुत प्यारा व्यू है। और चलिए चलते हैं बाहर, उसके बाद रूम में जाएंगे, और जो भी चीज़ें रहेंगी इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में जब कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। और आप लोग देख सकते हो ये राइट साइड का हिस्सा है, और थोड़ा लेफ़्ट साइड का, ये लेफ़्ट साइड में, ये सामने एक रोड है, मेन रोड यही है जो मेन गेट से इंट्री करते हैं। इसका बाग है, इसके अंदर जितना भी मतलब गार्डन के अंदर सारी चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो पौधा यानी पेड़ जो भी मिलेगा, खजूर का, पूरा खजूर का पेड़ है, देख सकते हैं आप लोग। राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में ये मेन गेट है। अभी यहाँ से हम बाहर जाएंगे, और ये सामने टावर है, देख सकते हैं। और बाहर का भी कुछ आपको हम दिखाएंगे कैसा दिखता है। और देख लीजिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में, यहाँ से अभी हम बाहर जाएंगे, फिर थोड़ा आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। फिर ये बैठने के लिए जगह है, और चलिए अभी हम गेट पे आ गए, ये मेन गेट यहाँ का है। अभी हमने यहाँ से बाहर आ गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बाहर का भी कुछ रोड है, मेन रोड है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से जो आप लोग गए, मैं जो भी पार्क में आपको लेके गया था गार्डन में, ये बाहर का हिस्सा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा बाहर का हिस्सा है। और चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से लेके लास्ट तक आपको दिखेगा, बहुत बड़ा घर है। मैं आपको थोड़ा मस्जिद का सामने का हिस्सा दिखा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा वहाँ पे घूम, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये सामने का हिस्सा मस्जिद का है। ये वाला जो रूम है, ये रूम जो इमाम लोग रहते हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनका अलग से यानी अलग से सेपरेट रूम दिया जाता है। और ये भी ये मस्जिद का बाहरी हिस्सा है, देख पा रहे हो, ये मेन गेट है मस्जिद का, फ़िलहाल अभी तो बंद है। और यहाँ पे आप लोग, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं खजूर का बाग लगा हुआ पूरा, ये फुलवारी वगैरह है, बहुत प्यारा व्यू है। और सामने घर देख सकते हो, बहुत प्यारा घर है। और चलिए इंशाल्लाह बस आज की वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ में सारी चीज़ें। ये स्कूल की बस आप लोग देख सकते हो, सुबह का वक्त अभी 7 बज रहा है, तो सारे लोग
जो बच्चे छोटे छोटे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये स्कूल की बस है, और मैं आपको सामने से मस्जिद का मीनार दिखाता हूँ, तब आपको मालूम पड़ेगा। देख सकते हैं ये व्यू कुछ इस तरह, ये मीनार मस्जिद के सामने से है, और ये सामने वाला हिस्सा आप लोग देख सकते हो। ये रोड है, यहाँ पे फुलवारी गार्डन लगा हुआ है, ये पार्किंग की जगह है, और जो पार्क मैंने आपको दिखाया ये वाला वो गार्डन पार्क है। कोशिश की यानी लोगन के अंदर जो ये आप बता ओमान का जो बॉर्डर है उसके पास ये छोटा सा गार्डन था, मैंने दिखाने की कोशिश की। ये विलेज मेन है, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ वीडियो जल्दी लाने के लिए, बस वक्त टाइम की वजह से मैं बस नहीं ला पाता, लेकिन इंशाल्लाह वीडियो कंटिन्यू इंशाल्लाह आएगा। चलिए तब तक के लिए अस्सलाम।